मणिपुर यूनिवर्सिटी जयपुर का 10वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि होंगे। समारोह के दौरान 2166 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। यह जानकारी एमयूजी के प्रेसिडेंट डॉक्टर जीके प्रभु ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। डॉक्टर प्रभु ने आगे बताया कि प्रत्येक विभाग के अकेडमिक टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इस वर्ष 58 गोल्ड मेडल विजेता है। और ये दीक्षांत समारोह में नियरली 2100 बच्चों के लिए, छात्र के लिए हम डिग्री प्रदान कर रहे हैं। इसमें 1700 अंडर ग्रेजुएट है, नियरली 300 पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये बार 88 पीएचडी को हम डिग्री प्रदान कर रहे हैं। और यही समारोह में हमारा चीफ गेस्ट गवर्नर को हमने रिक्वेस्ट किया कि ये साल में हमारा 10 बच्चों ने इंटरनेशनल एंड नेशनल गेम्स में थोड़ा मान बढ़ा लिया है, सो इसीलिए उनको भी हम एक कॉन्वोकेशन समारोह में हम सम्मानित करेंगे। रजिस्ट्रार एमयूजी डॉक्टर नीतू भटनागर ने बताया है कि ग्रेजुएट हो रही 2166 छात्रों में से 1770 अंडर ग्रेजुएट श्रेणी के हैं और 396 पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी श्रेणी के हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 10 छात्र जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनकी उपलब्धियों से न केवल विश्वविद्यालय बल्कि देश का नाम रोशन हुआ है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय के NACC A+ मान्यता, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 जैसी अन्य उपलब्धियों भी प्रकाश डाला गया। और जैसा कि आपने पूछा कि इस बार हमने जो स्पोर्ट्स अचीवर्स हैं उनको भी हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय जी पधारेंगे तो उनके हाथों हमारे जो बच्चे हैं करीब 10 स्पोर्ट्स अचीवर्स, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं सर के हाथों। और इसमें से ज़्यादातर जो शूटिंग चैम्पियनशिप है, इसमें हमारे बच्चों ने जो हमारा और राज्य का और देश का मान बढ़ाया है डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल अरेना में, तो उनको भी इस बार उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।